विधायक संगठन से न आकर के ऊपर से कहा जाए पैराशूट टाइप का है, तो वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। क्योंकि जो काम अगर विपक्ष में कोई बैठा होता तकलीफ होता, विधायक अगर मान लीजिए दूसरे पार्टी के होते तो समस्याएं आ सकती थी, लेकिन सरकार आपकी है। भूपेश जी ने खुद जिला बनाया है, आपने रिकमेंडेड किया था 10 से 11 कार्यालय मांगा है, आपके विधानसभा में जिला बना है, फिर कैसी समस्या भाई? ये जो लोग हैं उनको कोई सहयोग मिला नहीं, तो जो नया नेता चुनाव लड़ा, चाहे महापौर की बात करूं या अन्य किसी, तो नया नेता जो चुनाव लड़ा महापौर के लिए लड़ा, वो व्यक्ति ऑलरेडी यूनियन से जुड़ा नहीं था। जब यूनियन से नहीं जुड़ा तो उसको कुछ कामगारों का सहयोग मिल गया, और कुछ जो हमारे काली में काम नहीं करते हैं, जो छोटा मोटा व्यवसाय कारोबारी है, उनका सहयोग मिल गया। इससे वो यूनियन के नेता बेचारे चुनाव में भी उनको नुकसान हुआ, और जो यूनियन में नहीं थे उनको डबल फायदा मिला, चुनाव जीत गए। जबकि हमारे यूनियन के नेता बहुत काम किए, लेकिन काम किनका किए? जो यूनियन के साथ कामगार जुड़े हुए हैं, जो अन्य जो। क्या आपको नहीं लगता है अगर हम स्थानीय बात करें, स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात करें, तो हमारे खास तौर से चिगरी की आज दुर्दशा के पीछे एक बड़ा कारण यूनियन की लीडरशिप माना जाता है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अगर चिगरी आज बैकफुट में जा रहा है, यहाँ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लंबे रूप से पलायन कर रहे हैं, इस फाइट के लिए भी कोई खास पहल नहीं हो पाया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह यूनियन के नेता रहे हैं जो कांग्रेस की लीडरशिप की है, यही वजह है? जिला चिकित्सालय भी विधायक जी बोल दिए वहाँ जाएगा, वो भी चला जाएगा, लेकिन मैं चिमिरी और मणिपुर की दूरी जो 20 किलोमीटर है उसको घटा के मैं 10 किलोमीटर कर दूंगा। ये मेरा विधायक बनने का सबसे पहला काम रहेगा, रेणुकूट के तर्ज पर एल्युमिनियम प्लांट और चिमिरी और मणिपुर की दूरी 10 किलोमीटर। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश सरकार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए एटीएम का काम कर रहे हैं। क्या लगता है? हमारे घर में ईडी लगा दी है, जाओ यहाँ तक ईडी के बच्चे भी पढ़ना चालू कर दिया, भाई लोकसभा तक ईडी के बच्चे रहेंगे और यही बच्चे यही पढ़ेंगे, उनके गार्जियन नहीं रहेंगे, और हम कांग्रेस सरकार की अच्छी योजनाओं को तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होगा, ईडी की नजर रहेगी, इसमें बुरा क्या है? नहीं नहीं हम सही है तो हमको तकलीफ क्यों? नहीं ये केवल शासन, केवल कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों? अगर हम स्थानीय बात करें, जो रेलवे की बात आपने की है, रेल्वे का स्थानांतरण होना था, नागपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन बनना था, उसके लिए भाजपा या विपक्ष का कहना यह है कि 50% स्वीकृत राशि जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार को दिया जा चुका है। इस योजना के तहत 100% राशि में 50% केंद्र सरकार का, 50% प्रदेश सरकार का। केंद्र सरकार ने 50% दे दिया, लेकिन भूपेश सरकार सिर्फ इसलिए 50% नहीं दे रही है क्योंकि वो योजना भारतीय जनता पार्टी ये सरकार पर आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार की 38,785 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी का पैसा वापस नहीं किया। जब हमारे हक का जीएसटी पैसा वापस नहीं करेंगे तो हम विकास कैसे करेंगे? और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस अपने कार्यों के कारण फिर से दोबारा वापस आने की स्थिति में है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को, लेकिन मैं स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूँ। स्थानीय लेवल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया है, लोगों को ठगने के सिवा, पूरे चिरमिरी को आपने ठगा है। सत्ता और संगठन को तालमेल बैठा करके आगे बढ़ते चले गए, और जो विधायक संगठन से न आकर के ऊपर से कहा जाए पैराशूट टाइप का है, तो वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। उसका कारण है कि वो संगठन से लगातार नहीं जुड़े थे। क्या ये सारा वर्तमान विधायक पूर्व है? 11 कार्यालयों को चिरमिरी में आने की बात तय हुई थी, पर उसमें हमारे विधायक महोदय असफल हुए। मणिगढ़ भी खुलेगा, वहीं खुलना था, पर विधायक जी ओवर कॉन्फिडेंस में